हमारे पास कुछ सवाल है और पहला सवाल ये है कि जो नए लोग जो हैं जो श्रीधान्या मिलेट को पहली बार खा रहे हैं तो ये बताइए कि वो शरीर में कैसे लगते हैं और कैसे हजम होते हैं। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है, जैसे मैंने लेक्चर में पहले भी कई बार बताया है कि जो शुरू में खाते हैं उनको पहले ये अम्बाली के फॉर्म में खानी चाहिए, और अगर आप उसको अम्बाली अगर ना भी खाएं तो आप गंजी के फॉर्म में भी खाएं तो भी ठीक है। और गंजी क्या है, ये अनफर्मेंटेड पॉरिज है, आपका नॉर्मल दलिया है, और पॉरिज जो है वो आप 10 गुना पानी लेके उसमें पकाएं, आप उसको सोक करने के बाद, ओवरनाइट सोक करने के बाद, और उसको आप 15 मिनट आप मिट्टी के बर्तन में पकाएं। और मिलेट को आप कभी भी कुकर में ना पकाएं, हमेशा मिट्टी के बर्तन में पकाएं। और कुछ लोग, मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग इसको सोक करते हैं और उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं, और ये बहुत गलत तरीका है। तो खाना पकाने का जो है वो तरीका स्लो और स्टडी है, आप प्रेशर कुकर में इसको ना बनाएं। तो आप एक बार पहले अंबाली से शुरू करें, फिर उसके बाद आप पॉरिज खाएं, फिर उसके बाद आप इसको मिट्टी के बर्तन में राइस के तरीके से खा सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप कुकर से भी बना के खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑर्डर को। बहुत ज़्यादा लोग जल्दबाजी में रहते हैं, खासकर जिनको कोई ना कोई तकलीफ रहती है, जो जिनको क्रॉनिक दिक्कत है, तो उनको जल्दी ठीक होने का रहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो ये बहुत जल्दी असर करती है मिलेट, लेकिन आपको टाइम लगेगा। आप देखिए, डायबिटीज को क्या कोई 2 से 3 महीने में ठीक कर सकता है? नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं, और यही बड़ी सबसे बड़ी बात है। आप इस प्रोटोकॉल को शुरू करें, आप अंबाली से शुरू करें पहले 2 से 3 हफ्ते, फिर उसके बाद आप गंजी पे शिफ्ट करें, और फिर उसके बाद आप उसको राइस फॉर्म में खाएं, या फिर उसके बाद आप उसको अलग अलग तरीके से पका के खा सकते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर आपका शरीर इसको बहुत आसानी से एडॉप्ट कर लेगा, और नेगेटिव ग्रेन से आपका शरीर पॉजिटिव ग्रेन की तरफ चला जाएगा, और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आप अगर ये ना भी करना चाहें तो भी आप इसको सिर्फ सोक करें और सुबह पकाएं, सुबह सोक करें और शाम को पकाएं, और इसको मिट्टी के बर्तन में पकाएं, और राइस की तरह भी आप अगर आप खाएं, साथ में पिकल ले सकते हैं, आप दाल सब्जी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं जो आप चाहें, तो आपको कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो लोग ये करना नहीं चाहते, जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते इस तरह की, वही कंप्लेंट करते हैं, और ये सिर्फ दिमागी बात है लोगों की, और आप इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। खासकर जो लोग, जिनको राइस खाने की आदत पड़ गई है, नॉर्मल चावल खाने की आदत पड़ गई है, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए ये कहने का कि नहीं, मैं ये तो नहीं खा सकता। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ज्यादातर हम देखेंगे कि ये जो गरीब लोग हैं, ये उन लोगों का खाना रहा है जो सस्ती चीजें होती हैं, गरीब लोग ही उनको लोगों खाते हैं, क्योंकि वो गरीब लोग ये क्यों खाते थे, क्योंकि उनके पास ये जो महंगे महंगे जो चावल हैं उनको खरीदने का पैसा नहीं थे उनके पास, और ये सिर्फ जमींदार ही इसको अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि उनके पास पानी बहुत मात्रा में रहता था, जमीन से वो पानी निकाल लेते थे, तो उनके पास ये सारे साधन थे। और यही दिक्कत थी कि अब दिक्कत क्या, जो गरीब लोग हैं वो देखते हैं कि हम जो अमीर लोग हैं उन्हीं का खाना खाएं, उसी उन्हीं की तरह खाना खाएं, और वो खुश नहीं है, ये मिलेट खा के कोई भी खुश नहीं है, और यही ये हमारे इंसानी दिमाग की ये प्रॉब्लम है, और 90% प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हम लोग जो अमीरों का खाना है वही खाना चाहते हैं। सब लोग कहते हैं बादामी खाना खाना चाहिए, सब लोग कहते हैं कि यही इसी तरह की चीज़ें, महंगी चीज़ें खानी चाहिए, और इसीलिए लोग बीमार और बीमार होते जा रहे हैं। और ये सब सोशल बिजनेस सेटअप है, सोशल सोसाइटी के अराउंड, और हमने बहुत पहले भी बहुत बार इस चीज़ को बताया है कि खाने को उगाना जो है ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इन सब चीजों को एक बार भूलकर सच्चाई की ओर अगर हम देखें तो ये चॉइस आपकी है, ये आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। और हमारे पास बहुत सबूत हैं इन चीजों के कि ये बेस्ट ग्रेन्स हैं और ये हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छे अनाज है, ये सफाई करते हैं, ये हमें स्वास्थ्य देते हैं,
और ये बहुत आसानी से आप जो है 6 महीने के अंदर अंदर देख सकते हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये आप 50 लोगों को लीजिए, उनको 50 दिन तक ये सही खाना और सही ड्रिंक्स दीजिए, कषायम्स दीजिए, और आप देखिए कि 50 दिन के बाद वो पहले कैसे थे और बाद में कैसे थे। अगर कोई भी अगर इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहे तो कर सकता है। थोड़ी भी जगह है आपके पास, थोड़ा भी पैसा है, मैं उनको गाइड करने को तैयार हूँ। आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए कि पहले के रिजल्ट क्या थे और बाद के रिजल्ट क्या थे। उसके बाद शायद सब लोगों की जो है इस की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आइए करते हैं ये चीज़।